कैस के कसीदे ने हमारे तसव्वुर में लैला की जो तस्वीर खींच दी है उसने हमारा सुकून छीन लिया है। अगर मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो तुम्हें फिर से तवायफ बनना पड़ेगा। तवायफ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो फिर वो भी नहीं हो सकता जो तुम चाहती हो। हाँ बाबा कोब, वो क्या अच्छा यमाना था जब तू दीवार टापता था तो हर घर का येवर पैसा रुपया है। ओ भाई, मैं तो तौबा कर चुका हूँ। आज मेरी जबान इस बड़े घर की ऊंची ऊंची दीवारों और बड़े नाम का पोल खोल दे। ये रहमान साहब जिनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है, जिनके सामने झुकना लोग शराफत की दलील समझते हैं, इन्हीं रहमान साहब ने कोठे से भागी हुई एक तवायफ को अपने बेटे के साथ रंगरलिया मनाने की इजाजत दे रखी। बकवास मत करो, ये उठा हुआ हाथ अपने मुंह पर मारो इरफान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम। आज जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और मैं इसको अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि इस शख्सियत से मुलाकात का, इनका इंटरव्यू करने का और इनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मेरे साथ आज मुल्क के नामवर अदाकार मसूद अख्तर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे इनकी कोई पुरानी यादें जो हैं वो आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, थैंक यू सर। मुझे ये बताइए कि पेशे के लिहाज से तो आप बैंकर थे, फिर अदाकारी की फील्ड में कदम कैसे रखा? ये इंसानों के बस की बात नहीं है। खुदा जहाँ उसने हमारा रिस्क लिखा है उसने वहाँ भेज देना है। इंसान इस कायनात में ड्यूटियाँ आपने पूरी करनी होती हैं, माँ बाप के फ़राइज हैं, बच्चों के फ़राइज हैं, दोस्तों के फ़राइज हैं और जो आपके और लोग हैं उनके भी फ़राइज हैं। जब ये पूरे हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तहकीक हम उसी की तरफ से आए हैं और हमें उसी की तरफ लौट जाना है, ये आपके बस की बात नहीं होती। फिल्म आंसू ने आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया। फिल्म दो सीन थे उसमें, ऐसे बुखारी साहब उसके डायरेक्टर थे, मैं तेरी सूरत मेरी आंखें के सेट पे था सैयद सुलेमान सर के, उसमें से मुझे निगार अवार्ड भी दिया उन्होंने, द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो उसमें वो ये अवार्ड मिला निगार अवार्ड का पहली दफ़ा फिल्म में, तीसरी चौथी फिल्म होगी। तो ऐसे बुखारी साहब बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा जी आपने कब फारिग होना है? मैंने कहा जी वो सैयद साहब सुलेमान साहब खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने कहा हाँ जी सैयद बादशाह की, कहने यार मैंने चाहिए मैंने गल करनी, पंजाबी बोलते थे ऐसे बुखारी साहब, उनका नाम भी सैयद सैयद दोनों सैयद थे और बहुत देन है मुझे अल्लाह मौला सैयदों की सादात की बहुत देन है, मैं भुला नहीं सकता। तो कहने के मैं गया उनके पास, कुर्सी पर बैठे थे, मुझे कहते मैं हालवान के प्रोडक्शन हाल के सामने बैठा हूँ उधर आओ, उधर चले गए। तो मैं कह जी वो कब? मैंने कहा तुम एक गेस्ट रोल करना है। मैंने कहा सैयद बादशाह मैं अब आपका करूँगा, दो सीन है आपका करूँगा, बाकी भी कहेंगे मेरे भी कर जो। मेरा बड़ा बूम पीरियड जा रहा था तो मैं बाकायदा घुटने को हाथ लगाया, पाँव को छू लिया, बैठ गया उनके पास। मुझे कहते हैं मैं सैयद हूँ, अब आप ये कुछ नहीं कह सकते कि ये तुमने करना है। और मैं पता नहीं अगर ऐसा मैं कह अगर मैं हिट ना हुआ तो फिर पहले भी कह गया ना बहुत से और भी लोग आ जाएंगे तो पूरा नहीं होगा। तो मैंने फिर उनको कहा कहने के आप ही करोगे। पहला मिसरा उन्होंने बोला मैं अलाउद्दीन से मिल के आया हूँ, उसने मांगे हैं 10,000 रुपये, मैं उनको 8 तक कह आया हूँ, तुम्हें मैंने 5,000 देना। अब मैं परेशान था, अब उन्होंने इतना अच्छा जुमरा बोला मैं बयान नहीं कर सकता, ना मेरी ज़बान ना मेरे ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं उसको बोलूँ कि अगर पूरी फिल्म में दो सीन है तुम्हारे, एक बिगनिंग का एक एंडिंग का है, सुबहान अल्लाह, अगर तेरा करेक्टर हिट ना हो तो मुझसे जो मर्ज़ी कह दी, गालियाँ दे ली, जो मर्ज़ी करी, मैं बोला नहीं, फिर चुप हो गई। फिर उन्होंने बंदे को बुलाया,
पैसे दे दो, कहते कल शट लग रहा कि चाहिए का, पहला एंड लगा था तो उसमें फिर दोस्त थी मेरे साथ, उसने पहले आते ही हमसे लेट आई थी, हम चूँकि पंक्चुअल थे स्टेज के भी रेडियो के भी, टाइम पे जाना है टाइम पे बोलना है ऑन हो जाना है, टीवी का भी यही था, वो ज़रा लेट होगी मेकअप शेप में, उससे पहले मैं जाके ना मेरी उन्होंने कैमरा रिहर्सल भी कर दी, वैसे भी ड्राई रिहर्सल कर दी, दो तीन रिहर्सलें कर दी, काफ़ी डेढ़ सफ़े का सीन था, वो मुझे याद हो गया। फिरदौस बेगम आई, उन्होंने नीचे से ऊपर देखा और देख के वो उन्होंने कहा जी शाह जी इधर आओ लाइटें बंद करा दें, पीछे ले गई उनकी बेंच थे उसमें बैठ के उन्होंने कहा ये छोटी स्क्रीन वाले हमारे साथ अब बड़ी स्क्रीन पे काम करेंगे, शाह जी मैंने ये फिल्म नहीं करनी। उन्होंने कहा अच्छा कुछ देर ठहरो, ये करेक्टर यही करेगा। शाह जी उन्होंने लाइटें ऑन कर दी, उन्होंने कहा जी इसकी कैमरा रिहर्सल कर दो, वो कर दी हमने, तो उठ के आ गई उन्होंने, तो फिर बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ऐसा भी हुआ कि कई फिल्मों में कट हो गए हम, कईयों में आगे निकल गए, वो जो पहले लोग थे ना वो किसी को आगे नहीं आने देते थे, अब आपको आना है, अब हर यूथ को आना है, अब तो हम लोगों को पहले ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जितना नहीं आप नाने दादे कर लें थोड़ा सा मुख्तर सा, जितने पैसे हैं आप मिल जाएंगे थोड़े बहुत, करने भी क्या है इस उम्र में। तो ना वो फिर उसने माजरत भी की और वो वही सीन था, एक गाड़ी का था, मैं एडवोकेट होता हूँ बाद में बैरिस्टर हो जाता हूँ और फिर मैं अपना केस जो खुद ही लड़ता हूँ, उसमें मेरी डेथ हो जाती, शाहिद साहब में उसमें से मेरे बच्चे होते हैं बेटा होता है, और पहला ट्रेन का सीन था, मैंने कचहरी पहुँचा मैं लेट हो रहा था और चलती गाड़ी में मैं चढ़ा हूँ जहाँ एक कमरे में बैठी थी फिरदौस, तो वहाँ रेप हो गया। अच्छा सर मुझे बताएं कि एक आपके वक्त के ड्रामे थे, आपके वक्त की फिल्में थीं, एक आजकल के वक्त की फिल्में हैं, ऐसा क्यों है कि उस तरह की जो फिल्में थीं और उस तरह के ड्रामे थे वो अब आने बंद हो गए? मेरी जान जो आज की यूथ है ना वो लस्ट ऑफ मनी के पीछे बहुत है, आप देखते हैं टीवी में भी पिस्टल प्लास्टिक है वो लोगों को औरतों को दिखा के बच्चियों को गोली चला देंगे, वो पैसे ले जाते हैं छीन ले जाते हैं, कईयों को जेवर चले जाते हैं, ये चीज़ ही नहीं। आपको अगर कोई करेक्टर करना है तो अंदर से करें, अंदर से व्हाट इज़ इनसाइड इन योर इनसाइड व्हाट इज़, ये ना करें नकाल। कई लोगों ने दिलीप साहब की और भी लोगों की अब कई नकलें की उन्होंने, तो आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, ऑलवेज डू गुड, इट इज़ नॉट द एक्टर हु स्पीक्स, इट इज़ द कैरेक्टर हु स्पीक्स। आपको पूछना है डायरेक्टर से मैं किस कम्युनिटी से तल्लुक हूँ, गरीब हूँ बदमाश हूँ बेईमान हूँ अमीर हूँ गरीब हूँ, इस तरह की चीज़ें सीखनी है, फिर उनसे एड्रेस भी पूछना है, फिर उनसे पूछना है कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, फिर उनसे पूछना है कि वो कई लोग होते हैं जो कानों को हाथ लगा रहे होते हैं, कोई मुछों का हाथ लगा रहे होते हैं, इस किस्म की चीज़ें पूछनी पड़ती है। फिर एवरी टाइम यू हैव टू डाइजेस्ट दैट कैरेक्टर, आपको अपने बच्चे आपके माँ बाप आपके दोस्त भूलने पड़ते हैं, उस वक्त जो मैं मसूद अख्तर नहीं हूँ उस वक्त मैं कैरेक्टर हूँ, उसको कोई पता नहीं। कई लोगों के जनाजे पड़े देखे हमने कि नहीं जाना, दिस इज़ कमिटमेंट थिएटर में, कि जब ड्रामा ख़त्म होगा ये हमारा उनसे कमिटमेंट होती थी कि हम वो ड्रामा ख़त्म करके फिर लोगों ने जनाजे पढ़वाए, बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत सी मिसालें हैं। एनी हाउ अब अलहमरा में भी आपको जब आपने ड्रामे किए उसमें भी लोग आपको बहुत ज़्यादा पसीदाई मिली और आपका काम बहुत ज़बरदस्त था, आज भी आप अलहमरा आते हैं क्या पुरानी यादें ताज़ा करने आते हैं? नहीं, पुरानी यादें तो हो गई जो हो गई, उनको भूल के आगे जाना चाहता हूँ। इस बुढ़ापे के अंदर आगे क्या है, मुझे अल्लाह के पास जाना है, तो मैं जिस किसी का जो कोई मसाइल है जितनी मेरी वसात है जितना अल्लाह ने मुझे अल्लाह मौला ने इल्म दिया है मैं उसके मुताबिक उनको भेज देता हूँ। सीधा रास्ता दिखाना भी एक नेकी है, तो वाई नॉट, अगर कोई गलत करता है तो उसे प्यार से कह दूँ कि यार नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो सोच के जो हमारे सीनियर थे वो भी हमें यही सिखाते थे, वो दो अगरबत्तियाँ लेते थे, एक राइट विंग में चला जाता था एक लेफ्ट विंग में,
वो दोनों लगा के सुलगा के फिर उन्होंने आना है, फिर उनसे हमने दुआ मांगनी, या अल्लाह आज के ड्रामे में हमें सलूक से परफॉर्मेंस करने की तौफीक अता फरमा, आमीन आमीन आमीन। कोई लड़ता भी था तो फिर उसको मना कर देते थे, या नहीं यार, वो कहते थे मेरी क्लैम मार दी इसने, क्यों नहीं दिया, तो फिर उसके सुलह सफाई भी करा देते थे कि यार नहीं कोई बात नहीं, चल बेटा कोई नहीं, आज का हो गया, कल से भाई ना करना, इसका क्यों दे देना, वो खुश हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री के जवाल का सबब आप किसको समझते हैं? कुछ भी नहीं, एक ही फिल्म को बार बार दोहराया गया, एक ही फिल्म को नाम किरदारों के लिए के छोड़ दिया गया, एक ही फिल्म, वो करते क्या थे, एक फिल्म बन गई है, चाहे वो अफगानिस्तान से लाएँ, चाहे आप इंडिया से लाएँ, चाहे कोई इंग्लिश है उसको उर्दू में कर लेंगे, ड्रामे में ऐसे ही शुरू हुए थे, इंग्लिश से हम अपने माहौल में शुरू कर लेते थे, ये जो अमेरिकन लाइब्रेरी है यहाँ से बहुत ड्रामे मिले, और इवन जब हम ला कर रहे थे तो दो ड्रामे उसमें सिलेबस के थे, एक शेक्सपियर था उस मैकबथ था उसका ड्रामा, और उसमें लिखा हुआ था दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, मैन आर मियर एक्टर्स, वन हु कम्स ही पासेस अवे, कि ये एक दुनिया स्टेज है, जो कोई अपना किरदार अदा करता है वो परफॉर्म करके फिर वो चला जाता है। अब इसको रूहानी तौर पे ले ले, जो अल्लाह ताला ने हमें ड्यूटियाँ दी वो हमने पूरी करनी, फिर हम उस पर निकल जाएंगे, अगर दुनियावी तौर पे लें तो वो भी ऐसे ही है, इंसान क्या है, इंसान कुछ नहीं, लैसा ले इंसान है अल्लाह मासा, इंसान कुछ नहीं माशवाए कोशिश के, आप सीधे रास्ते पे चलें, जिस किसी को बताएं सीधा रास्ता बता दें, नाउडेज इट्स वेरी इजी टू अर्न द मनी, जैसे मैंने पहले पिस्टल की बात की है, मोटरसाइकिल की बात की, नहीं या तो आपके सीनियर ने आपको कुछ नहीं सिखाया, या आपकी माँ ने, या आपके बाप को, आप बाप कफालत करता है, माँ तरबियत करती है, ये दोनों चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो आपकी औलाद जो है वो सही तरफ चली जाएगी। अब ये है कि इतनी करोड़ की आबादी हो चुकी है हमारी, तो हमने उतना काम नहीं किया, लोग घरों से निकल के बाहर टेंटों में आ गए हैं, थे किराए के थे वो भी, वो किराया भी ऐसे ही था, किसी का 100 किसी का 50 है बस, अब बहुत कुछ हो गया, कईयों ने कब्ज़े किए हुए, कोई माफिया है, क्या क्या करेंगे हम इन किसान लड़के, क्या है भाई, उनके पास ताकत है, उनके पास असला है, उनके पास वो झिझकते नहीं हैं। फिर फनकार बहुत नाजुक होता है, अक्सर सेंसिटिव होता है, उस पर कोई परेशानी भी आती है तो वो आम आदमी के सामने या दूसरों के सामने नहीं आने देता। नहीं नहीं कहता, उम्मीदों के चराग हम जलाते रहते हैं, मुश्किलें कठिन सही हम मुस्कराते रहते हैं, दो फूल कांधों पे सजा के गुलाब के, हम कभी अर्श पर कभी फर्श पर आते जाते रहते हैं, दोस्तों हमारे सब्र व तहम्मल का इम्तहान लो, हम अपने ही लहू से नहाते रहते हैं। वो अपना आप ही पी जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का।